अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, मज़े में होंगे। तो आज मैं जा रहा हूँ अपने गांव में अपने सर के साथ। उन्होंने अपने कॉलेज जाना है, दो तीन जो है ना छोटे छोटे काम है वो करने हैं, तो अभी चलते हैं, लेट ना हो जाए ज़्यादा। मरवा छोटा नंबर वन जगह पे गमला है दादा? कोई नहीं, है? गमला चेंज। ये फल अच्छा छोड़ना है सर। ए भाई ये नहीं खलोता, दो गए ये हमने दो पौधे ले लिए हैं, मजीद भी लेने हैं, अब जगह नहीं है, ये हमने गांव में ले जाने हैं। तो हमारे पास अभी फिलहाल बाइक है, ये साथ जो है ना पौधे सिलेक्ट कर रहे हैं, एक और उन्होंने ले लिया है। तकरीबन 45 मिनट की ड्राइव के बाद मैं पहुंच गया हूं गांव में। सर को छोड़ा है कॉलेज में, वो लेक्चर दे रहे हैं। अभी मैं जा रहा हूं एक दोस्त के पास, उसकी कॉल आई है कि आपका जो है ना साग जो है ना मैंने शापर में डाल दिया है, आप आकर ले लीजिए। तो अभी मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ, उसके घर। अभी मैं उनके डेरे पर आ गया हूँ, कॉल उनको की, अभी वो आ रहे हैं। तो अभी मैं उनके डेरे पर खड़ा हूँ, सामने आप देख सकते हैं गोड़ी और उसका साथ छोटा सा बछेरा। प्योर देसी माहौल है, ओपन एरिया है, यहाँ पर एक चारपाई पड़ी है, हुक्का है और ये बैठने के लिए। तो यहाँ पर बैठ कर वेट करते हैं और हुक्का पीते हैं। आवाज़ इसकी चेक करें, इसमें कोयला नहीं डाला गया, ठंडा हो गया हुक्का, जैसे कहते हैं हुक्का मर गया है। ये एक छोटा सा कुत्ता है, वो मुझे नहीं जाने दे रहा, तंग कर रहा है, इसको मैं YouTube पर अपलोड करने लगा हूँ। हाँ बस बस, आप जाने दे, बस कर यार, बस कर। ये है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज 170 डब। अरे जाती है ठंड में, अभी आ गए हम डिग्री कॉलेज में, क्लासेस हो रही हैं, इधर भी है प्यारी, इधर भी हाल है। सारे अभी लेक्चर दे रहे हैं यहाँ पर इस रूम में। इस वक्त मैं अपने गांव में मौजूद हूँ, एक थोड़े से टाइम के लिए, थोड़े से वक्त के लिए मैं अपने गांव में आया हूँ। ये हमारी पहले दुकान होती थी, बंद कर दी है, 1122 वाला दफ्तर बढ़ा देता। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा किसान है, किसान ये चारा भी काट कर लेकर आया अपनी गद्दा गाड़ी पर, अभी ये रख रहा है अंदर, इसकी जो है ना कटाई होगी फिर ये जानवरों को डाला जाएगा, तो इसलिए जी अब जा रहे हैं हम अपने कजन के, आपको छत ला दे कमरे दिखा। ये तकरीबन मकान जो है ना मुकम्मल हो गया, सिर्फ अब पलिस्तर रहना बाकी है, बाहर से अंदर से पलिस्तर हो गया है। अभी जो है ना इनकी सीढ़ी भी लगनी है, सीढ़ी सीढ़ी लगनी है, फिर जो है ना ये बाहर से पलिस्तर होगा, अंदर से तकरीबन हो गया। अंदर से आपको चलकर दिखाते हैं, जो सामने रोड है बिल्कुल, यहाँ पर दुकानें हुआ करती थी वो भी इन्होंने गिरा दी हैं, यहाँ पर भी कमरे हुए करते थे वो सब इन्होंने गिरा के, अब ये माशाल्लाह नई जगह बनाई है, नया मकान बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, परेशान हो गए, मीडिया ले आ गए। एक कमरा ये है, कितने कमरे हैं उस्ताद? चार माशाल्लाह, चार कमरे हैं,
सब जो है अंदर से पलिस्तर हो गए हैं कि ये आप देख रहे हैं विंडो वगैरह, ये एक विंडो ये है, एक ये अलमारी जो है अलमारी टाइप, सामने ये मिरर लगा हुआ है, एक कमरा ये है, अभी ये है ना ये भी पलिस्तर हो गया। ये आपको छत से व्यू करवाते हैं, कितना खर्चा होया? टोटल इस टाइम तक 18-19 लाख लगा खला। 18-19 लाख, 4-5 कमरों का, और ऊपर से ये पलिस्तर वगैरह। 7 फुट भरती है। 7 फुट भरती है। कनाल। कनाल। अच्छा। मैं वापस आ गया हूँ घर, तो आपको चेक करवाते हैं ये घास, सॉरी साग। अगला व्लॉग जो है ना इस पर होगा।